कुछ ही देर के अंदर हमारे आदरणीय ब्रह्म पूज्य बीवा संजय शास्त्री साहब पहुंचने वाले हैं। और हेमू कालानी के बारे में बता दें, उस क्रांतिकारी सबसे कम उम्र का 15 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी था जिसने दो साथियों को बचाने के लिए अपने को आगे कर दिया। ऐसा स्थल से यदि यात्रा निकलेगी देश के अंदर परिवर्तन के लिए, समाज के, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए, आतंकवाद के, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तो सच मानिए मंदसौर से एक नई आवाज जो उठी है हस्ताक्षर अभियान की। इतने हस्ताक्षर कहीं भी नहीं हुए। विनय जी और इनके परिषद, इनकी पूरी जी तो समिति को धन्यवाद करते हैं। सभी सामाजिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन जितने भी इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ भी जाने का काम करते हैं। संतों को पीड़ा हो जाती है कि जब राष्ट्र का हित हो रहा है। ये आपने नोटबंदी के समर्थन में ऐसी मिसाल, मानव श्रृंखला भगवान पशुपतिनाथ की नगरी से हमारी आवाज दिल्ली तक जाएगी। हम ये चाहते हैं संत श्री के पशुपतिनाथ की मूर्ति, इतना बड़ा हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, आपसे निवेदन है, आप जितने भी निवेदन है, हम ये चाहते हैं इस नोटबंदी के समर्थन के अंदर जो आपने संकल्प प्रदान किया, जो बल प्रदान किया, देश के अंदर अभी और काला दिन भर आने वाला है। हमारे मोदी जी के संकल्प को आप इसी प्रकार निभाते रहना। हम ये चाहते हैं कि आपका समर्थन ये देश के प्रधानमंत्री जी को मजबूती देगा। जब राष्ट्र के संत के हाथ में तिरंगा आता है तो बड़ा परिवर्तन होता है। भीमा संजय जी शास्त्री साहब ने क्रांतिकारी हेमू कालानी के यहाँ से चलकर गांधी चौराहे पर आकर इस अभियान का जाना हुआ। कई सामाजिक संस्थाओं ने आदरणीय रविशंकर जी, सोनी साहब, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी, दिनेश जी, आप भी मंच के ऊपर आ जाए।